तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में DSC का ब्लू ऑक्साइड बैट है, जिसका जब मैंने नया लिया था तो मैंने इसका रिव्यू डाल दिया था, अनबॉक्सिंग की हुई थी। लेकिन अब जब ये बैट 1 साल पुराना हो चुका है, मैं इसे खेल चुका हूँ, उसकी नॉकिंग हो चुकी है, तो अब ये बैट कैसा यूज कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो बैट है भाई, वो अब थोड़ा आप देखिए कंडीशन, ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है बैट, ठीक है। मैंने स्कफ शीट जो थी इसकी, वो भी चेंज कर दी है, ठीक है। ग्रेन्स हालांकि अभी क्लियर दिख रहे हैं, और तो अभी खुले नहीं है ग्रेन्स अभी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बैट मेरे पास कई सारे हैं और उसकी वजह से मैं यूज़ करता रहता हूँ, पर मैं मोस्टली इस बैट को यूज़ कर लेता हूँ। 1130 ग्राम आफ्टर बैंड इसका बैट है, बैंड चढ़वाने के बाद, ठीक है। ये आप एक बार प्रोफाइल देख लीजिए, चेंज प्रोफाइल में कुछ ज़्यादा नहीं आता, ये है कि हाँ बैट थोड़ा जब बिल्कुल सॉफ्ट होता है तो दब जाता है, इधर उधर से थोड़ा थोड़ा बहुत दब जाता है। और अगर मैं बैट के फील की बात करूँ, बैट बहुत अच्छा फील करता है ये, ठीक है। थोड़ा शॉर्टर आपको लगेगा, है शॉर्ट हैंडल, मगर आपको फील होगा कि बैट थोड़ा शॉर्ट लेंथ है, ये पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मगर है नहीं। बाकी अगर मैं आपको इसके पिंग टेस्ट करके बताऊं तो आप साउंड सुनिए जरा एक बार, ठीक है। मैं कोई ज्यादा जोर से नहीं मारूंगा, बहुत साफ सॉफ्ट जो है ना, एक साउंड के साउंड बताया था कि बैट में काम हो चुका है या नहीं, ठीक है। सॉरी, तो जो मैं इसमें देख पा रहा हूँ सॉफ्टनेस एक तरीके की बैट में आ चुकी है, ये देखिए, ये मैं एकदम, अब बैट जो है वो रेडी टू प्ले वाले कंडीशन में आ चुका है, आप बस उतरो और खेलो, ठीक है। तो ये बैट मैंने उस टाइम पर 9,000 रुपये का लिया था, और अब शायद भी बैट पता नहीं मुझे शायद कितने का मिल रहा हो, सकता है प्राइस रिवाइज हो गया हो, पर मैं कहूंगा ये बैट काफी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी बैट निकला मेरे लिए। ये बैट तो सारे ही अपने अच्छे हैं, और आगे भी मैं आपको पुराने बैट जितने भी हैं मेरे उनको मैं रिव्यू डालता रहूंगा कि कैसा रिव्यू रहा मेरा, कैसा एक्सपीरियंस रहा पुराने बैट के साथ। तो ये इस बैट के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, आप देख रहे हैं मैंने इसको, हालांकि DSC के कवर चिट्स हटा दिए हैं ऊपर के बैक साइड के, और बैट यूज हो चुका है, बैट में कोई दिक्कत नहीं है, बैट अभी भी काफी अच्छी कंडीशन में है। अगर आप किसी को दिखाएंगे सिंगल हेड बैट अगर आप यूज करो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बहुत अच्छे तरीके से आप पर्सनली यूज कीजिए। तो मोस्टली मैं इस बैट को किसी को ज्यादा दिखाता नहीं हूँ अपनी टीम में भी, तो ये बैट अभी तक बना हुआ है सही और अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नए नए बैट्स की और पुराने बैट्स की भी और अदर इक्विपमेंट्स की भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, वर्कआउट बताता रहूँ और क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट आपके लिए ज्यादा से ज्यादा पहुंचाता रहूँ, ओके।